रखा है, आपने जो योगदान किया है आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। मैं भी नहीं यहाँ पर आया हुआ है जीवा, आपकी सोच को नमन करेंगे। कल मेरे थलेबी से ही गांव से कोई फोन आया, कल एक कार्यक्रम है, वीरेंद्र प्रताप सिंह जी की शादी है। मैंने कहा उनके शादी नहीं है, उन्होंने सोचा वो प्रोग्राम है ना वीरेंद्र प्रताप सिंह जी। अरे वो उनकी शादी नहीं है, वो शादी समाज के उन पुरुषों को याद करने का समय है। याद करने से क्या होता है, इनके जो मार्ग है, इनके कितने अच्छे मार्ग थे, वो मार्ग आज लोगों को अपनाने की जरूरत है। और वो मार्ग अपना हमारे मार्ग का संबंध करेंगे तो ही हम आज इनका इतिहास है। माननीय वक्ताओं ने इतिहास बताया, बड़ी खुशी हुई, बहुत ही अच्छा इतिहास है। और राजपूतों का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, इतिहास बताया, लेकिन इतिहास का समय है, अब वक्त गया है। माननीय गिरिराज सिंह जी, मेवाड़ा साहब, हनुमान सिंह जी खानका साहब, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो राजपूत समाज के युवाओं को, राजपूत समाज की प्रतिभाओं को आगे लाने का जो कार्य कर रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। आज शिक्षा की जरूरत है, आज कलम की जरूरत है दोस्तों। अब काम तलवार से नहीं चलता है, और जो गंदी राजनीति की फैली हुई है उसका उदाहरण आपके सामने उदाहरण सामने पड़ा है। महापुरुष राजपूत समाज से थे, अरे जिन्होंने अपने सिर कटा दिए, जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान में इतिहास रचा गया। और यही सरकार आज महाराणा प्रताप की जयंती मनाने का हमें आदेश नहीं देती है, महाराणा प्रताप की जयंती मनाने के लिए हमें अनुमति लेनी पड़ती है। वाह भाई वाह, इस भारत भूमि में और इस राजस्थान में ये कानून कब से लागू हो गया? अरे महापुरुष हमारे थे, अरे आरक्षण गया बाहर में, सब चीजें गए बाहर में, और जो अन्याय सरकार हमारे साथ कर रही है वो तो कर रही है। ऊपर से हमारे महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, वाह भाई वाह। और ये मैं प्रोग्राम है धन्यवाद देना चाहता हूँ, पीछे गांव है बेदू, और बेदू गांव के अंदर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है। वो मूर्ति वीरेंद्र प्रताप सिंह जी ने बड़ी मेहनत करके और एक अच्छी सोच के साथ लगाई है। ये मानवीय गांव का सेंटर है, कुछ नहीं किया हिंदुस्तान के लिए। हमारे एक पुरुष की मूर्ति नहीं लगा सकते, वहां पर पुरुष तैनात है। और गंदी राजनीति आगे से पीछे से हमारे मंत्री सामने में उसमें, और वहां के सरपंच वगैरह जैसे के तैसे करके दूसरी मूर्ति उसी गांव में लाई हुई पड़ी किसी के घर के अंदर। और जब ऐसी दर्द से समाज की सुनने में आती है तो कहा जाता है हमारे वो इतिहास और इन पूर्वजों को याद करने का समय। ये मूर्ति कोई अपने पूर्वजों की या अपने दादाजी की तो लगाई नहीं है, वो मूर्ति अपने रिश्तेदार की तो लगाई नहीं है, वो पूरी शिरोमणि महाराणा प्रताप की लगाई है, जिनके नाम लिया था। जब सरकार को जरूरत थी, जब सरकार को जरूरत थी तब ऐसे मान पुरुषों को पूजा जाता था। और आज एक बेटू के अंदर जो मूर्ति लगाई है, उस मूर्ति का अभी तक कंफर्म नहीं है, मैं आप बाहर से पता है आपको बता सकता हूँ, वो मूर्ति कभी भी हट सकती है। लेकिन आप समाज के वरिष्ठ में पढ़ा रहे हो, आप इतनी दूर दराज से पढ़ा रहे हो, तो माननीय वीरेंद्र प्रताप सिंह जी की आवाज आप तक कभी पहुंचाए। और बेटू के अंदर जो महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है, वो मूर्ति अगर हट गई तो हमें शर्म आनी चाहिए। आज के बाद हम कभी ऐसा हमारे समाज का और समाज के वीर पुरुषों के नाम पर जो मनाने भूल जाएंगे, और हमारी जीत इसमें है जब वो मूर्ति यही लगी रहेगी। और माननीय बात से पधारे हनुमान गणों का बहुत बहुत आभार, और आप हमारे सिर पर हाथ रखकर इतना कार्य जरूर कीजिए इस मूर्ति के लिए। बेटू गांव के कोई भी बंदे के लिए अगर ऐसी कोई सूचना आए तो उसे सत्य समझे, हम तो अभी उधर से उधर के आए और यहीं के बालक हैं। ज्यादा तो मैं क्या कहूँ, पहले वक्ताओं ने बता चुके हैं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग सामने बैठे हैं, और मेरे छोटे मुंह इतनी बड़ी बात भी कोई शोभा नहीं देती है। लेकिन दोस्तों कई राजनीतिक मंच होते हैं, इतिहास बताए जाते हैं, अपने राजनेताओं के बारे में बताते हैं, और अपने सामाजिक मंचों पर ये एक पहला मंच है जिसमें राजनीतिक वाले नहीं है, ये समाज सेवी है। ये समाज सेवी मंच आज माननीय वीरेंद्र प्रताप सिंह जी मुंगेर कलाओं ने जो लगाया है वो कोई नहीं लगाता, क्योंकि आज तक कार्यक्रम आप देखते हो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा या समाज जयंती का, उसके अंदर
आज नेता आते हैं, उनके चमचे आते हैं, आगे पीछे उनके गाड़ियां आती हैं, या तो नहीं तो कोई आगे गाड़ी है, नहीं कोई पीछे गाड़ी है, जैसे टाइम मिले पहुंच गए, बस मिली पहुंच गए। मैं मेरे साथ पधारे फलोदी के युवाओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, वीरेंद्र सिंह जी माइनली, उनको एक ऐसा मैसेज मिला कि बापू के अंदर प्रोग्राम है, बेदू के अंदर जो मूर्ति है उसके बारे में ऐसा संशय है। तो इन युवाओं ने ये नहीं सोचा कि आज अपन स्टूडेंट है, हम सब पढ़ाई करने वाले, हम इतने बड़े नहीं है, लेकिन बस लेकर चलेंगे, बस में फलोदी से लेकर बापू तक महाराणा प्रताप का जय जयकारा लगाते चलेंगे, बस के साथ दस गाड़ी और लेकर आएंगे, और वो जयकारा ये लगना चाहिए, और वहां पर बैठे नेता बड़ी संतुष्ट, और उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि हो सकता है मुझे बेदू के अंदर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है, इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि वहां की खुली मिली गंदी राजनीति के कीचड़ में उस छोटी वो मूर्ति छोटी सी लगाई है, और एक रात में वो बनाकर एक रात में ही वो लगाई गई है। लेकिन अब मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अगर उस मूर्ति के लिए, अगर उस मूर्ति के कोई हटने का वाक्य आ जाए, अगर उस मूर्ति के हटने का वो शब्द किसी के मुंह से आप सुन लो, उस दिन सतर्क हो जाना दोस्तों, सरकार अपनी सुनती नहीं है, सरकार अपनी सुनती नहीं है।